नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व पर अगर हम अपनी परंपराओं की बात करें तो गंगा स्नान करने के बाद गरीब, असहाय व वृद्ध जनों में दान करने की पुरानी परंपरा रही है और इसी परंपरा के तहत हर साल की भांति इस वर्ष भी जनपद के वृद्धजन आश्रम जहां पर करीब 50 वृद्धजन जिसमें महिला और पुरुष रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनके स्वादानुसार भोजन मिठाई के साथ ही गर्म कपड़ा लेकर आज समाज सेविका मीरा राय पहुंची और उन सभी को अपने हाथों से भोजन परोसकर गर्म कपड़ा प्रदान किया। इस दौरान वृद्धजन भोजन और ठंड के मौसम में कपड़ा के साथ ही मकर संक्रांति के पर्व पर लाई चूड़ा और तिलवा पाकर काफ़ी खुश हुए। जब इस बारे में मीरा राय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब वह छोटी थी तब उनके सर से माँ का साया उठ गया था, जिससे उन्होंने हमेशा से माँ के ममता की कमी महसूस होती रही। वहीं जब उनकी शादी हुई, बच्चे हुए और जब बड़े हो गए, वह अपने कामों में व्यस्त हो गए, तब यह खुद अपने आप को अकेला महसूस करने लगी और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया और आज भारतीय परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के इस पर्व पर दान कर पुण्य कमाने की जो परंपरा रही है उसी को पूरा करते हुए वृद्धजनों को उनके स्वादानुसार भोजन, मिठाई, लाई चूड़ा आदि प्रदान कर खुशी महसूस किया है। हम लोग हिंदू में ही बताया गया है कि मतलब वृद्धा लोग का सेवा करना चाहिए, चाहे गरीब लोग को, असहाय लोग को कपड़ा, खाना पीना सब कुछ देना चाहिए। जो भगवान दिए हैं उसके अनुसार तो हम इन लोग को खाना भी बनवाए हैं, मीठा लाए हैं, फिर यहाँ चिवड़ा, गुड़, तिलकुट सब इन लोग को लेके आए हैं। यहाँ पर इन लोग ठंडा में बहुत परेशानी हो रहा था इन लोग को, तो इन लोग हम बिना पूछे नहीं देते हैं, पूछे कि क्या चाहिए आप लोग को, तो लोग बोले कि इनर चाहिए हमको, तो भी खरीद के इन्हीं लोग मंगवाए हैं। सर भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि माता पिता जो भी हैं अच्छी तरह से रहे, तबीयत ठीक रहे, यही भगवान से हमारा प्रार्थना है। क्या कहें हम, भगवान हमको सब कुछ दिए लेकिन शादी से पहले ही हमारी माँ हमको छोड़ के चली गई। उस समय तो मैं बहुत दुखी थी, लेकिन कुछ समय शादी उदी हुआ तो दो बच्चे सच्चे हुए तो उसमें थोड़ा सा परेशानी हुआ, लेकिन जो ही छोटा थोड़ा सा बड़ा हुए पढ़ने जाने लगे तो मैं सोचा कि अब खाली वक्त क्या बैठना है। अब पता लगा इससे माता पिता लोग की सेवा करे, गरीब का सेवा करे, गरीबों लोग का मैं देखे कि यहाँ साड़ी फटा है, जैसे आलू का स्टोरेज है हमारा, तो सब बिनती थी। दोपहर में कोई रोटी सब्जी, किसी के पास सब्जी भी नहीं था तो कुछ दिन देख के हम सोची कि थोड़ा सा इनको सब्जी बना दे, थोड़ा सब्जी जो नहीं लाती थी तो थोड़ा रोटी सब्जी उन लोग को देने लगे, छोटा छोटा काम करने लगे। फिर हम कहे कि आप लोग का पेंशन बना है, तो उन लोग कहे नहीं, कौन बनवा रहा है। तो बहुत पता लगाई, लगाने के बाद अब इतना ऑनलाइन नहीं था, पहले इसी तरह से हो जाता था। तो हम ले के आई वहाँ गाजीपुर, तो कुछ दिन पहले तो बहुत बढ़िया से हुआ, लेकिन गरीबों के लिए जो इस तरह का आप पिछले कई सालों से जो काम कर रही हैं और करा भी रही हैं, आज भी आपने कराया है, इस सब कराने के बाद किस तरह की खुशी मिलती है? अरे पूछिए मत, हमको तो इतना खुशी होता, लगता है करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गया। कहते हमारे हस्बैंड कहते हैं कि अब तुमको मतलब 10 दिन के लिए मसाला मिल गया, जहाँ बैठती हूँ तो सब उन्हीं लोग का बात करती हूँ, हमको आनंद आता है उन्हीं लोग को बात करने में, तो हम क्या बात करें। हम कहे हाँ जी सही कह रहे हैं, हमको बहुत इन लोग का बात बताने में हमको बहुत अच्छा लगता है, यही हमारा ऊपर वाले जो भी दिए हैं हम समझते हैं। सब पूछते हैं कि क्या हुआ, हम कहते हम जमा कर दिए, तो कहाँ जमा किए, पूछते हैं नेताजी कहाँ जमा करते हो, हम कहे जमा जहाँ करना है वहाँ कर दिए हैं, जब वहाँ जाने पर हमको मिलेगा, अब तो समझ गए कि कहाँ जमा करती हैं। वहीं जब इस बारे में एक वृद्धजन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह काफ़ी दिनों से वृद्धा आश्रम में हैं और आज ही के दिन उन्हें इस तरह का भोजन और लाई चूड़ा आदि प्रदान किया गया तो उन्हें लगा कि शायद
कोई आज अपना उनसे मिलने आया है जिससे उन्हें काफी। आश्रम में कितना दिन से हैं आप? हम आश्रम में ढेर दिन से रहे हैं। तो आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के अवसर पर जो है आज बहुत सारे लोग अइलन है, आप लोग को कुछ गिफ्ट भी देलन है, का बात का कहब उन लोग के लिए? अरे धन्यवाद दिया जी सकते हैं साहब का कर दिए हमारे तो ये ना जी अभी बाटी जा हम के भाई का मिलल आप लोग के? हां भाई तो भोजन मिली था, मिले मिठाई उठाई भी मिलल? हां मिठाई उठाई बढ़िया लगल, मतलब आज का भोजन बहुत अच्छा था।